hello Delhi. Hello. I am also a Delhiite only by the way, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा रही हूँ अपने स्ट्रगल के दिनों में. मुंबई जाने से पहले मैं दिल्ली में बहुत ज्यादा रही हूँ, कि यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ. और हमेशा ही इट्स सच अ डिलाइट टू कम हियर. और जहाँ तक आपने कहा कि मौका मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है, आई वॉन्ट टू थैंक माई डायरेक्टर रिजी भाई, जिन्होंने ये फिल्म बनाने की सोची, इतना बड़ा ये उन्होंने प्रोजेक्ट लिया, इतना बड़ा चैलेंज लिया. और बहुत सारे लोगों ने इन्होंने इनको ये भी कहा कि अरे पहली फिल्म में कंगना के साथ काम करोगे, क्योंकि ऑफकोर्स मेरा तो नाम बदनाम करके रखा हुआ है सबने. तो फिर भी इन्होंने ही डिडंट गिव अप ऑन मी. फिर भी इन्होंने कहा कि ये फिल्म तो मैं सिर्फ कंगना के साथ बनाऊंगा. फॉर अ फर्स्ट टाइम इट वॉज अ वेरी बिग कॉल कि फिल्म. यूजली लोग कहते हैं कि चलो यार पहली फिल्म है, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, बट ही डिडंट गिव अप ऑन मी. सो आई थैंक यू फॉर दैट. और मुझे ये मौका मिला, और मौका मिला तो आई कम्प्लीटली डाइव्ड इनटू इट, और मैंने आई ट्राई टू डू माय बेस्ट. Firstly, good evening, Delhi. How are you guys doing? All well? Yes, sir. Thank you for coming. And I love Delhi. And जब उन्होंने कहा कि second trailer यहाँ पर launch हो रहा है, I was very very excited. And I couldn't miss it for anything. इस किरदार बहुत ही अलग है मेरे लिए भी. हमेशा मैं यही कोशिश करता हूँ कि जो भी किरदार मैं निभाऊँ उसमें कुछ अलग करने को मिले. I'm glad this one came along. और हाँ, मैंने अलग विलन के रोल्स किए हैं, मगर मेरे ख्याल से इस टाइप का विलन कभी आपने हमारे पर्दे पर देखा? Absolutely not. क्योंकि रेजी बहुत ही क्लियर थे कि उनको किस तरह का बहुत ही स्टाइलिश, स्टाइलाइज्ड, यू नो, ब्रूटल, मीन, ईविल, जिसमें कोई फीलिंग्स ना हो, या हॉट नहीं हो. ही डिडंट वांट हॉट, क्योंकि क्या रेजी के जितने भी गर्लफ्रेंड्स थे ना, उनको मुझ पे क्रश था. तो उन्होंने बोला इस पिक्चर में मैं अर्जुन को हॉट नहीं. कितना टाइम मुझे जबरदस्ती उठवा गई. मेरा कोई उसमें मकसद नहीं था. और मैं आई बिलीव कि मुझे ऑलरेडी सोर्ड फाइट के टाइम में मनी करने का के टाइम पे असली सोर्ड से मैंने जब फाइट किया था तो मुझे काफ़ी इंजरी हो गई थी. तो आई वॉन्टेड टू यूज फेक गन्स, लेकिन ये जो हमारे डायरेक्टर बहुत ही जिद्दी हैं, बहुत ही हेड स्ट्रॉन्ग है, और इनको जो जिद आ जाती है वो करके ही रहते हैं. तो उनकी मर्जी थी, और ऑब्वियसली हमने फिर रियल वेपन्स यूज़ किए. एंड जहाँ तक मेरी ट्रेनिंग का सवाल है, मेरे खुद के एक्शन मास्टर हैं, जो मुझे काफ़ी छोटी उम्र में 16-17 साल की उम्र में पहली बार मिले थे, सूर्य नारायण जी. उनके साथ में मैं उस वक्त से प्रैक्टिस कर रही हूँ, लेकिन ऐसा कोई रोल ही नहीं आया फिर इसके बाद. मणिकर्णिका आई, फिर उसके बाद मैंने फिर उनके साथ ट्रेनिंग शुरू की. हॉलीवुड से क्रू बुलाया था रेजी सर ने एंड मेरे प्रोड्यूसर्स ने, एंड कोरिया से क्रू आया था. तो सब ने मिलकर, ये हर एक की बहुत ज़्यादा मेहनत है, किसी एक इंसान को नहीं आप बोल सकते. सो वी ऑल वर्क वेरी हार्ड. सर आप I think it's a combination of both men and women making a film. It's not only about one gender. के एक आदमी ही कर रहा है या फिर सिर्फ एक औरत ही कर रही है. I think both play a very important role to make a film, and it's a given effort to them. कुछ किरदारों में इतनी परतें होती हैं कि उन्हें आप भरोलते रहते हो फिर भी नहीं खत्म होती. रोहिणी एक वैसा रोल है जहाँ पर हर रोज़ हम जब सेट पर आते थे, मुझे कुछ रोहिणी में नया मिलता था करने के लिए, और बहुत खूबसूरती से लिखा गया है इसे. और मेरे लिए सबसे बड़ा हाई ये था कि कई बार क्या होता है, हमारे डायरेक्टर्स दो तरह के होते हैं, एक वो जो एग्जांपल्स सेट करते हैं, दूसरे वो जो फॉलो करते हैं. तो आई थिंक रेसी उनमें से है जो सेट करते हैं एग्जांपल्स, हर्ड मेंटालिटी को फॉलो नहीं करेंगे कि इसने पिछली फिल्मों में ये किया है तो वैसा ही रोल, तो ऐसा नहीं था. बिल्कुल ही अलग तरह का रोल है रोहिणी, जो कि एक गैंगस्टर है, जो कि एक बिंदास, मीन, टोटली क्रेजी औरत है, और इनसे खूब इश्क करती है ज़ोर से, और टू द लेवल ऑफ लाइक बीइंग स्कैरी. सो आई